अस्सलामुअलैकुम तहलका न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर बेग। दोस्तों, नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए जमानत दे दी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की जेलों में कैद सैकड़ों कैदी मामूली जराइम में और उनको बड़ी बड़ी तकलीफ दे बीमारियों में मुबतला हैं, क्या उनको भी जमानत मिल सकती है तिब्बी बुनियादों पर? तो इस सवाल का जवाब ये है कि उन गरीब लोगों को तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका कसूर है वो गरीब हैं, और इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म गरीब होना है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन में स्लोगन दिया था दो नहीं सिर्फ एक पाकिस्तान, क्या वो इस पर अमल पैरा है? इस सारे अदालती निज़ाम को हुकूमत को ठीक करना होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आप हुक्मरान हैं, जागें और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। आप माजी के हुक्मरानों की तरह बेहिस मालूम नहीं दिखाई देते, मगर गरीब आवाम को रिलीफ भी दें। अदालती निज़ाम को A to Z दुरुस्त करें, वरना बाद में नवाज शरीफ की तरह आपको पछतावा ना रह जाए कि मुझे मसाइल का पता होता तो मैं जरूर दुरुस्त करता। आवाम बेचारी 20 साल अदालतों में धक्के खाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, मगर अमीर आदमी को सजा भी हो जाए तो वो मिनिस्टर कॉलोनी में मजे से अयाशियां करता है। इमरान खान साहब, कुछ करें, पानी तेजी से पुलों के नीचे से बह रहा है। अगर आप अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाते हैं, और हमें उम्मीद है आप कामयाब होना भी चाहते हैं, तो पाकिस्तान के 100 साल तक लोग आपकी हुकूमत की तारीफ करेंगे।